हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे मैं अभी से, और धूप हमारी जो है किचन में भी अच्छी खासी आ चुकी है। देख सकते हैं आप, नीचे भी धूप लग चुकी है और बाहर भी अच्छी धूप लगी हुई है। और ये देखिए, मैं खेत में आ गई थी और मेरे जो मैंने लहसुन में भिजा हुआ है उसके बीच में जो है घास हो चुका था बहुत ही ज़्यादा, तो वो घास मैंने निकाल दिया और कीड़ा उठा गया हुआ है। मैंने परछाई में दिख रहा होगा, तो इसका घास मैंने निकाल दिया और फिर मैं इसकी निंदाई करूँगी अच्छे से। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हुआ है लहसुन। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर हुआ है। और आगे तक है, ये देखिए बहुत लंबा खेत बीजा हुआ है हमने और आगे भी घास पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ करूँगी जिस तरह से मैंने ये साफ़ किया। और फिर इसकी पहले सगाई करूँगी, फिर उसके बाद में इसकी निंदाई करूँगी। और ये देखिए आसपास का व्यू, सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारे गेहूं के खेत लहलाते हुए, और इस साइड जो है धूप अभी नहीं आई है अच्छे से। और ये देखिए व्यू बहुत ही सुंदर है और धूप जो है बहुत अच्छी खिली हुई है। और घास मैंने थोड़ा सा ही निकाला है क्योंकि ज़्यादा नहीं देंगे अभी इसको, अभी जो है पशु को सूखा चारा ज़्यादा देंगे, तो ये थोड़ा सा मैंने सूखे घास के साथ मिलाने के लिए थोड़ा सा हिलाया हुआ है। और कीड़ा जो है मैंने पीठ पे उठाया हुआ है, ये भर के रखा हुआ है मैल का कीड़ा जिसको हम खेत में छोड़ते हैं, और परे रख दिया मैंने जो मैंने घास लाया था वो। और सूर्य की किरणें देखिए कितनी अच्छी पड़ रही है, धूप जो है बहुत अच्छी खिली हुई धूप है। गाय जो है हमने बाहर बांध दी है लेकिन ये कुछ खा नहीं रही है, थोड़ा बीमार हो गई है, कैल्शियम इसका जो है डाउन हो गया है। कल हमने डॉक्टर बुलाया था, उसने इसको टीके वगैरह लगवाए और फिर आज भी कुछ इसका ऐसा ही मूड बना हुआ है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है बेचारी। और जो हमारा नया मेहमान है वो आराम से सोया हुआ है, उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, आराम से सोई हुई है। देखिए बहुत आराम से सोई हुई है, धूप में बहुत आराम से सोती है, बहुत नटखट है। और सभी पशुओं के पास जो है अब अच्छी खासी धूप जो है हमारे लग जाती है, हमने खुरली वगैरह नहीं बनाई हुई है। तो मैंने गाजर जो है ग्रीस कर लिए थे और नारियल भी मैंने ग्रीस कर लिया था। इसकी मैं मिक्स बर्फी बनाने जा रही हूँ। अब मैं गैस को जो है ऑन कर लूँगी और कढ़ाई जो है मैंने रख ली है, और पहले मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मेरा। और साथ में मैं अभी इसमें जो है चीनी ऐड कर लूंगी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हो, तो ये मैंने ऐड कर दी चीनी। और मैं इसको फिर हिला लूंगी अच्छे से, इससे मैं इसको हिला लूंगी। पानी जो है मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी
क्योंकि है जो गाजर है मेरा वो खुद ही पानी छोड़ेगा थोड़ा बहुत पकने के लिए। तो इस तरह से मैं इसको लगभग 4-5 मिनट तक पकने दूंगी, जब तक कि हमारी चीनी जो है इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, तब तक मैं थोड़ी सी जो है इलायची फ्लेवर के लिए कूट लूँगी। अभी जो है मेरे गाजर में चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ये जो नारियल मैंने ग्रीस किया था इसको, ताकि ये भी थोड़ा सा चीनी में जो है भुन जाए। और इसको भी मैं लगभग 2-4 मिनट तक पकने दूंगी। अभी जो है मेरा पूरा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है, और अब डालूंगी मैं इसमें घी। अभी ये नीचे लग रहा है तो इसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगी घी, ताकि ये मेरा नीचे देसी घी ना लगे। थोड़ा सा ही डालूंगी, 1 चम्मच भर, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और फिर मैं इसको अच्छे से हिला लूंगी। और अब मैं इसको अच्छे से हिला लेती हूँ। ये जो है मेरा मेल्ट हो चुका है, और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। अब मैं ऐड करूंगी इसमें मिल्क पाउडर, क्योंकि मेरे पास खोआ जो है नहीं था, तब मैंने इसमें ऐड किया मिल्क पाउडर, और इसको मैं अच्छे से अब मिला लूँगी। और गैस का फ्लेम जो है मैं अब कम कर दूँगी। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें इलायची जो मैंने कूटी हुई थी वो डाल दूंगी, इससे जो है इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। तो अब मेरी बर्फी बनके रेडी है, अब करूंगी मैं इसकी प्लेटिंग और फिर इसको फ्रिज में थोड़ा देर 15-20 मिनट रख दूंगी। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।